दंड देने का काम ये सरकार का होता है। हम लोगों ने जितने भी अभी पिछले दिनों की आप घटनाएं देख रहे हैं उसमें सब में हर एक अपराध का उसको क्रैकडाउन किया है। जैसे मान लो ये जो आपका फरीदाबाद का अपराध है उसके अंदर 3 लोग पकड़े गए, आपका यहाँ जो झांसा का अपराध है उसमें ऐसा अपराध हुआ कि वो जिसके ऊपर आरोप लग रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई और उस लड़की की मृत्यु हो गई। इसमें एक नया एंगल ये आएगा कि आखिर उसमें छानबीन के बाद कौन अपराधी होगा उसको निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। पिंजौर की बात कही गई, पिंजौर में वास्तव में वो घटना ही झूठी है और झूठी घटना के कारण से वो एक बच्ची साइकिल चलाते हुए गिरी और उसको चोट लगी, ऐसे अंग पर लगी कि जिसमें से शायद शंका ये की गई कि वो बलात्कार हुआ, लेकिन बाद में उस लड़की को होश आने के बाद उसने भी मान लिया और जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया था उसकी बात भी सच मिली। वो तो बच्ची को उठा करके बचाने के लिए घर में लेकर के आया और परिवार के लोगों ने उसको मान लिया है। तो इस प्रकार से जितनी भी घटनाएं हुई हैं दुखद है, बहुत आहतों में, लेकिन इन सब के पीछे जिस किसी का भी हाथ मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।